हेलो फ्रेंड, मैं विक्की कुमार एक बार फिर आपको लेके आया हूँ अपने चैनल एडुटेक में। और आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा हाईलाइट ऑफ सेल, टॉप बॉटम रूल्स, क्लियर रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल एंड आइकन स्केल के बारे में या आइकन सेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, जैसे कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिगार्डिंग यहाँ कुछ डाटा ले रखा है और इन्हीं डाटा पे मैं आपको वन बाय वन कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हाईलाइट सेल रूल के बारे में। तो उसके लिए मैं यहाँ पहले अपनी ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ये बॉटम कर दूँ ताकि आपको प्रॉपर अपने सारे नंबर्स और शीट आपको दिखाई दे। मैंने ये टोटल नंबर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम आएंगे होम टैब पे और वहीं मिलेगा आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है। इसमें सबसे पहला रूल होगा हाईलाइट सेल रूल। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन होगा आपका ग्रेटर देन का। पहले हम सबसे पहले यही अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन। ये सभी रूल्स को मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगा। तो मैंने जैसे यहाँ ग्रेटर देन और जो यहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ नंबर आएगा वो आपका 55 आया, तो मैं कोई भी नंबर पुटअप कर देता हूँ। जैसे मैंने 40 पुटअप कर दिया और ओके करेंगे तो आप देख रहे होंगे तो 40 से अबव जितने भी नंबर हैं ये सभी को हाईलाइट कर रहा है। और यहाँ आपके कुछ कंडीशंस आती हैं जिसके बेसिस पे आप कलर कर सकते हैं। तो जैसे ये विद लाइट ग्रीन है, उसके बाद येलो है, रेड है, लाइट रेड है, विद टेक्स्ट कलर भी हैं। तो इसमें से जो भी आपको प्रॉपर लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कलर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें लेसर देन के लिए, यानी कि लेसर देन में भी आपका सेम यही अप्लाई होगा। अब जैसे कि यहाँ मैंने लेसर देन 40 रखा है तो ये आपका 55 रखे हैं। तो 55 से लेसर जितने भी हों आपके रेड कलर, टेक्स्ट भी कलर्ड हो गए और आपके बैकग्राउंड भी सेल को भी वो कलर कर दिया। पहले एक बार मैं अलग से भी करके दिखा देता हूँ इनकी। मैंने पहले इसको क्लियर कर देता हूँ जो कि मैंने इसमें आपको ले रखा है क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसमें आपके सबसे बॉटम में देखोगे आप तो क्लियर रूल्स का ऑप्शन आता है और यहाँ दो ऑप्शन आते हैं एंटायर सीट एंड फ्रॉम द सिलेक्शन। मैं यहाँ फ्रॉम द सिलेक्शन कर दिया और ओके कर दिया। फिर यहाँ सेकंड ऑप्शन होता है आपका जो मैंने अभी करके दिखाया था लेसर देन का। तो देखिए जैसे मैंने 55 लेसर देन किया तो आपके जितने भी 55 से लेस देन है उन सारे को ये हाईलाइट कर देगा या कलर शो करेगा। मैं दोबारा एक बार सेलेक्ट करता हूँ रूल्स को, यहाँ से क्लियर करता हूँ पहले एंटायर सीट के बेसिस पे। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिटवीन के या फिर इक्वल टू बिटवीन, ये सारे आपके नंबर्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं बिटवीन में। बिटवीन में जैसे अब मान लीजिए मैंने 35 एंड 80 कर दिया, तो 35 और 80 के बिटवीन में जो भी नंबर है ये उनको हाईलाइट कर देगा। सिमिलरली इसी तरह आप इक्वल टू का भी कर सकते हैं कि इक्वल टू नंबर्स का। उसके बाद हम बात करते हैं अब टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मेटिंग का। तो टेक्स्ट रिलेटेड में आप आएंगे तो वही आएगा आपका हाईलाइट सेल में ही। जो हमारा बिटवीन एंड इक्वल टू के बाद का नेक्स्ट ऑप्शन था वो हमारा था टेक्स्ट दैट कंटेन। और ये ओपन करते ही वो कंटेनिंग वर्ड टाइप करेंगे जो आपको फॉर्मेटिंग करना है या फिर कंडीशनल फॉर्मेट आपको जिस पे अप्लाई करना है। जैसे मैंने मंडे किया तो ये केवल मंडे को हाईलाइट करेंगे। सिमिलरली ये वेडनेसडे और इसी तरह ये आपका ट्यूसडे को भी हाईलाइट शो करेगा कि कितने आपके इसमें सेम है या डुप्लीकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ शो करते हैं। और रिमूविंग और डुप्लीकेट एंट्री के लिए आप मेरी लास्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं हमारे चैनल की, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा। चलिए अब बात करते हैं डेट फॉर्मेटिंग की कि अगर कोई डेट के टाइप का हमारा फॉर्मेट है तो हम उसके अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो इसी में आप देखेंगे हाईलाइट सेल में अ डेट ओवरकम। तो इसके अंदर आप में लेफ्ट साइड में एक आपको ड्रॉप बॉक्स दिख रहा होगा, इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लास्ट वीक नेक्स्ट डे, टमोरो या यस्टरडे, इससे रिलेटेड कुछ होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ नेक्स्ट वीक करता हूँ, जो नेक्स्ट वीक जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ कलर कर देगा। और इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट डे या लास्ट मंथ अब या फिर दिस वीक करता हूँ तो भी ये उस वीक के अकॉर्डिंग उसको कलर करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने
मैंने ये भी किया दिस मंथ, तो ये मंथ भी जिस मंथ के है वो उस मंथ के अकॉर्डिंग सेल को कलर कर रहा है और ओके कर दिया। ये था डेट फॉर्मेटिंग के हिसाब से कि आपको डेट अगर फॉर्मेट करना है तो उसके बेसिस पर हम कैसे करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और उससे पहले मैंने ये सारे डाटा आपको क्लियर कर दिया और अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट वॉल की कि तो ये आपका शो करेगा कि टोटल हमने इसके अंदर कितनी एंट्रीज डुप्लीकेट कर रखी है। ये थे हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज से रिलेटेड और इसी में आता है यूनिक एंट्रीज, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी डुप्लीकेट एंट्री आपको शो कर रखी है तो यहीं आएंगे हम वापस डुप्लीकेट एंट्रीज और यहाँ आप जहाँ डुप्लीकेट फाइंड आउट करें तो उसी के नीचे मिलेगा यूनिक, यानी कि जो आपके ओरिजिनल्स हैं। तो अभी यहाँ मेरे दोनों ही फॉर्मेट एक साथ अप्लाइड हैं इसलिए आपका शो नहीं हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ से फॉर्मेट क्लियर करता हूँ और उसके बाद आपको ये शो करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आके क्लियर फ्रॉम द सिलेक्शन कर दिया और अब यहाँ हम डुप्लीकेट एंट्रीज को दोबारा अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम करते हैं यूनिक वैल्यूज़। जो हमारे यूनिक वैल्यूज़ हैं वो आपके यहाँ शो कर देगा, यानी कि जो हमारी कॉपी पेस्ट या डुप्लीकेट एंट्रीज आपकी पूरी शीट के अंदर नहीं है ये उनको शो करेगी। तो ये हम बात कर रहे थे हाईलाइट सेल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स के बारे में। तो इसके लिए मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं टॉप एंड बॉटम रूल में। उसमें आता है पहले टॉप 10 का और टॉप 10 जैसे कि हमने केवल 10 ही नंबर ले रखे हैं। अब मैं इसको स्लो डाउन करता हूँ तो जैसे हमारा ये टॉप 2 और ऐसे अगर टॉप 1 करना चाहते हैं तो 1 या 3 4 5 जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे वो आपके अबव नंबर्स को वैसे वैसे सिलेक्ट करता जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ शो कर रखा। मैं इसको क्लियर रूल कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं टॉप 10 की, टॉप 10 परसेंट्स की। तो ये परसेंट आप जैसे 10% पे आपका 100 आएगा, 20% करेंगे तो 90, 30% पे 80, 40 पे 70, फिर ऐसे ही 50 पे आपका 60। वो आपका जैसे जैसे परसेंटेज आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ही आपका सिलेक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आता है आपका ये बॉटम 10 लाइंस का कि बॉटम से आपको टॉप 10 चाहिए अगर उसके बेसिस पे। तो पहले से भी मैं यहाँ रूल क्लियर कर दूँ फिर आपको करके दिखा दूँ। यहाँ बॉटम 10 लाइंस या टॉप 10 आइटम्स, तो यहाँ जैसे टॉप 10 में तो हमारा टोटल ये बॉटम 1 कर देंगे तो 10 आएगा, फिर बॉटम 2 करेंगे तो 20, बॉटम 3 पे 30, बॉटम 4 पे आपका 40 और ऐसे ही सो ऑन इंक्रीजेस होते जाएंगे। चलिए अब यहाँ से फिर से मैं एक बार रूल क्लियर करता हूँ और अब बात करते हैं बिटवीन सॉरी बॉटम 10% की। तो वो भी आपका सेम जैसे हमने टॉप 10% किया था उसी बेसिस पे आपका बॉटम 10% भी अप्लाइड होगा। और अब हम बात करते हैं एवरेज कैलकुलेशन की, तो उसके लिए मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। और जैसे ही आप यहाँ सिलेक्शन किए होंगे तो आपके यहाँ बॉटम में नीचे दिख रहा होगा कि हमारा टोटल 55% है एंड जो इसका टोटल है वो आपका 550 है। तो चलिए अब यहाँ इसी एवरेज के बेसिस पर हम अप्लाई करते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एवरेज बिलो एंड एवरेज अबव का। उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल एंड एवरेज अबव। तो अबव 55 देखेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली कलर कर देगा और सिमिलरली अगर हम इससे बिलो का करेंगे तो वो आपका बिलो देन 55 को कलर करेगा या हाईलाइट करेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला सेल नहीं मिलेगा, ये आपको डायरेक्टली ओके का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि अब मैं यहाँ ब्लो देन का भी करके दिखाता हूँ तो ब्लो देन में भी देखिए आप जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम सिलेक्ट करते थे या रेंज सिलेक्ट करते थे वो ऑप्शन यहाँ नहीं होगा क्योंकि हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ही रहेगा कि जो एवरेज है वो आपका 55 ही है। ये हमने बात किया अभी हाईलाइट सेल एंड टॉप एंड बॉटम रूल की। चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं अपनी अगली शीट पर और इस शीट पर हम अब बात करेंगे। जैसे कि लास्ट शीट पर हमने ये तीनों टॉपिक क्लियर किए थे, इसको मैं कलर कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे डाटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट की। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाटा बार से। तो यहाँ मैं इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें करना है। मैं नई सीट पे लेके आ गया हूँ आपको
और इसी के बॉटम में जो मेरी सीट है वहाँ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये डाटा है, डाटा में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है डाटा बस, तो इसके लिए मैं यहाँ पहले सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ फॉर्मेटिंग हाईलाइटिंग में आएंगे तो इसके अंदर मिलता है आपका डाटा बार। और ये आपके कुछ लाइट कलर्स होते हैं, इसी में आपको सॉलिड कलर का भी ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो आप सॉलिड कलर या लाइट कलर या ग्रेडियंट बेसिस पे आप इसको ऐसे ही एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जैसे ये एडिट कर दिया। अब इसके अंदर आप किसी भी नंबर्स को चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ जो उसका बैकग्राउंड ग्रेडियंट है वो भी आपका यहाँ चेंज होगा। जैसे मैंने अगर फर्स्ट वाले को सीधा डायरेक्टली 90 कर दिया तो एंटर करते ही देखेंगे तो आप ये ग्रेडियंट भी चेंज होगा। ऐसे ही अगर मैं ये बॉटम से 80 को 10 कर देता हूँ तो 10 करते ही आपका इसका भी ग्रेडियंट चेंज हो। यानी कि सेल्फ फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि उसके अंदर के जो आपका होल डॉक्यूमेंट जो आपने टाइप किया उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप जैसे जैसे चेंज करेंगे वो आपका ग्रेडियंट भी वैसे वैसे ही चेंज करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कलर्स स्केल पे। और उसी के जस्ट नीचे आपका ऑप्शन होता है कलर स्केल, और ये आपको अलग अलग कलर स्केल के बेसिस पे स्केल मिलेंगे। तो मैं यहाँ जैसे अप्लाई करता हूँ, ये यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये अप्लाई किया जो हमारे लोएस्ट नंबर हैं वो आपके लाइट येलो में है, और उनके बाद धीरे धीरे उनका कलर डार्क ग्रीन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आपके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। यानी कि 10, 20, 30, 40 जो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है उसके बेसिस पे उनका कलर भी इंक्रीज हो रहा है, डार्कर होते जा रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ कोई दूसरा फॉर्मेट भी अप्लाई करते हैं जैसे कि ये है, तो इसमें आप देखेंगे तो जो हमारा ऊपर लोएस्ट नंबर है वो थोड़ा डार्क है, फिर बीच में जो मीडियम है यानी कि 42 या 60, 70 तक ये हमारा फिर दोबारा लाइट कलर है, और फिर उसके बाद अगेन हमारा डार्क कलर है। तो ग्रेडियंट बेसिस पे जो आपके हैं वो ज़्यादा इजीली होते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम तौर पे यूज़ किया जाता है, और जो कलर स्केल है वो थोड़ा समझने के लिए मुश्किल होती है इसलिए बहुत कम लोग ही इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आइकन सेट पे, और उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आइकन सेट के अंदर आप देखेंगे तो ये आपके कुछ ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग या फिर व्हीकल्स के अकॉर्डिंग और कुछ नेटवर्क्स, और अगर कोई गेमिंग वगैरह का भी आप एप्लीकेशन देखे होंगे तो उसके अंदर जो सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। या फिर जो न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं तो जो अब आपको कुछ स्टैटिक्स वगैरह अगर उन्हें शो करना होता है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड एरो वगैरह से भी हेल्प करके शो करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ अगर डाउनवर्ड एरो जो यूज़ किया तो जो ऊपर के लोअर नंबर्स हैं उसमें आपका जो एरो हेड है वो डाउनवर्ड है, फिर बीच में जो मीडियम है वो सेंटर्स में है, और फिर जो लास्ट में हाइस्ट नंबर है उनके जो एरो हेड है वो आपके टॉप साइड है। सिमिलरली अगर मैं इस साइड वाले कॉलम में अगर यहाँ नेटवर्किंग बेसिस पे अगर कोई जैसे ये मेरा नेटवर्क का यहाँ आइकन है ये अगर सेट करता हूँ तो ये भी आपका उसी तरह शो करेगा कि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी नेटवर्किंग के टावर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर मैं इनमें से किसी से अभी कलर नंबर्स चेंज करता हूँ तो उनके अकॉर्डिंग उनका कलर या उनका एरो हेड या फिर उनकी नेटवर्किंग सिस्टम भी चेंज हो रही है, यानी कि उनके जो आइकन हमने सेट किए हैं या जो फॉर्मेटिंग हमने सेट किए हैं वो भी चेंज हो रही है। चलिए अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।